सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में लेसन नंबर 6 पृथ्वी के स्थल स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का जो स्थल स्वरूप है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो स्थल स्वरूप है, इसको पहले वीडियो में भी अपन पढ़ चुके हैं। स्थल स्वरूप जैसे पर्वत है, मैदान है, उसके बाद पठार है, तटीय मैदान है, पर्वत है, मैदान है, पठार है। ये पृथ्वी के स्थल स्वरूप है जिसके बारे में अपन ने अध्ययन करेंगे। तो अपन पर्वतों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। उसके बाद अपन पठार, ये जो है आपका दूर तीसरा नंबर का, इसके बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं पठार के बारे में। आज हम मैदानी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैदान मैदान जो क्षेत्र है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मैदान मैदान जो पृथ्वी के स्थल स्वरूप में है उसमें मैदान बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैदान मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। जो समतल भूमि है, जो समतल पृथ्वी है आपकी, जो समतल भूमि है उसमें बहुत बड़े भाग में मैदान है फैला हुआ है। ठीक है, वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर की अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। समुद्र तल जो होता है, क्या होता है, समुद्र जो तल है उसे कितने मीटर की ऊंचाई पर, 200 मीटर की ऊंचाई पर मैदानी भाग होता है। उसी को मतलब समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर अगर है उस क्षेत्र को अपन मैदानी क्षेत्र मान लेते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ मैदान जो होते हैं वो काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। एक तो नदियों या नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा मैदान बने होते हैं। नदियों पर्वत की ढालों पर नीचे की ओर बहती है। नदियां किधर से बहेगी, पर्वत की ढाल से नीचे की ओर बहती है, उन्हें अपर्दित कर देती है। उन्हें क्या कर देती है, अपर्दित कर देती है। उसके बाद वे अपर्दित पदार्थों को कुछ साथ आगे और ले जाती है। अपने साथ ढोए गए पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट और घाटियां निपेक्षित कर देती है। इन्हीं निपेक्षों में मैदानों का निर्माण होता है। जैसे अपने साथ बहाकर लाई जो भी हो पदार्थ जो भी लाई है उसी से मैदानों का निर्माण होता है। नदियां नदियां जैसे पर्वत है, ये क्या है, पर्वत। अभी नदियां आ रही है इधर से बहती हुई है, तो नदियां जो भी अपने साथ लाइए, पत्थर, बालू, मिट्टी जो भी लाइए उसी से फिर क्या बनता है, मैदान। क्या बनता है, मैदान। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदानों में बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में काम आते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है। मैदानी क्षेत्रों में यहाँ परिवहन का जो निर्माण करना होता है वो भी बहुत आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या रेंज देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण ही है। एक तो वहाँ की जलवायु बढ़िया, उसके बाद वहाँ का जो कृषि योग्य जो भूमि है वो भी ठीक ठाक रहती है, उसके बाद जो वहाँ पानी की उपलब्धता है वो भी ठीक ठाक रहती है। तो आपको वहाँ मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादा मिलेगा। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, ये तो एशिया में, एशिया महाद्वीप में मिलेंगे, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको मिलेंगे। एशिया में स्थित भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं इनका मैदान भारत में काफी विस्तृत फैला हुआ है।
मैदान मनुष्य में रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र माना जाता है। मैदानी जो क्षेत्र है वो मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, यहाँ आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि मकानों को बनाने के लिए खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुर मात्रा होती है। तो मकान बनाए उसके लिए भी समतल भूमि मिल जाएगी, उसके बाद आप कृषि करते हैं, खेती कुछ भी करते हैं तो आपको वहाँ पर समतल भूमि मिल जाएगी। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में जो गंगा नदी का मैदान है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसके बाद अब आप देखिए स्थल रूप के लोग कैसे होते हैं, स्थल रूप के जो लोग हैं वो क्या हैं। स्थल रूप में विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। जो मैदानी क्षेत्रों का जीवन है वो काफ़ी सरल होता है पर्वतों की अपेक्षा। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों का रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हमने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि के मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति को महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग हमें प्रकृति के इस वरदान महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, गलत कामों में नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति ने अपन को गॉड गिफ्ट जो मिला है, अपन को ये भूमि जो समतल भूमि मिली है, इसका हमको सही से उपयोग करना चाहिए। हमारा कर्तव्य कि आप हम आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी को सुरक्षित रखें। हमारा जो कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो इसी के साथ ये लेसन आपका पूरा हो चुका है, लेसन नंबर 6 आपका पूरा हो चुका है। पृथ्वी के स्थल स्वरूप इस पाठ का नाम था। पृथ्वी के जो स्थल स्वरूप थे, पर्वत, पठार, मैदान, स्थल स्वरूप, ये सारी चीज़ें के बारे में अपन ने इस पाठ के अंदर अध्ययन किया। पर्वतों के बारे में अध्ययन किया अपन ने इस पाठ में। उसके बाद कुछ शैलों के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। पर्वत अब हमारे लिए कितने लाभदायक हैं उसके बारे में भी अपने इस पाठ के अध्ययन किया। पर्वत बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संगागार होते हैं, बहुत सी नदियों के स्रोत पर्वती होते हैं, क्योंकि नदियों के स्रोत कौन हैं, क्योंकि नदियां कहाँ से निकलती है, पर्वतों से ही निकलती है। तो पर्वतों से हमें बहुत सारी नदियों का जल प्राप्त होता है। पर्वतों से जल का उपयोग सिंचाई, बिजली बनाने में, इन सब चीज़ों के बारे में भी, इन सब उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद देखिए आप पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, ये जमीन से ऊंची उठी हुई थोड़ी सी भूमि जिस होती है उसी को अपन पठार कहते हैं। जैसे भारत में डक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक ही नाम सुना होगा आपने पहले भी, डक्कन का पठार का, तो ये बहुत पुराना पठार है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर के लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती क्योंकि पर्वतों की बराबर ऊंचाई नहीं होती है पठारों की, ये तो केवल जमीन से कुछ, ये जमीन इससे कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग वही पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। जमीन से कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग ही पठार कहलाता है। इसी के साथ उसके बाद अपन ने मैदानों के बारे में पढ़ा कि मैदान क्या क्या काम आते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है
जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हुई है वो मैदानी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट में अपन ने अध्ययन किया कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व देखने को क्या मिल क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अनुकूल मिलेगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ अनुकूल मिलती है, क्योंकि यहाँ एक तो पानी की उपलब्धता रहती है मैदानी क्षेत्रों में, उसके बाद यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हर चीज़ को आपको बनाने में या लाने ले जाने के वाहनों में सारी चीज़ें सुविधाएं मिल जाती है, यहाँ पानी की उपलब्धता मिल जाती है। इसी के साथ आपका ये लेसन जो है लेसन नंबर 6 ये पूरा हो चुका है। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में करें और इसका घर पर अच्छी तरह अध्ययन करें। धन्यवाद।